नमस्कार, हमारे चैनल माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम ये मिक्स अचार बनाएंगे। ये हमने गाजर, नींबू, मिर्ची और अदरक लिया हुआ है। ये सभी चीजों का मिक्स अचार बनाएंगे। सबसे पहले हमने गाजर को धो लिया है और नींबू, गाजर, मिर्ची सभी चीजों को धुलकर अच्छे से पोंछ कर थोड़ा सा सुखा लिया है धूप में। उसके बाद हमने ये कट कर लिया है और इसके लिए हमने मसाला लिया है। एक चम्मच जीरा लिया है, एक चम्मच सौंफ और आधा चम्मच कलौंजी, थोड़ी सी हींग ली है, ये एक चम्मच सरसों, खड़ा सरसों है, पीला सरसों, और आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, और ये मिर्चा पाउडर है, लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक। और अचार के लिए हमने सिरका लिया है थोड़ा सा, और ये सरसों का तेल। ये हम काली मिर्च और सौंफ, जीरा, इसको दरदरा पीस लेंगे। हमने ये सौंफ, जीरा, काली मिर्च दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये बाउल में हम तेल डाल देंगे। इसमें हम दो चम्मच हल्दी डालेंगे और ये दो चम्मच मिर्चा पाउडर, इसको हम मिला लेंगे। इसको अगर सबसे पहले तेल में मिला लें तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब ये गाजर डाल देंगे इसी में। मिर्ची, ये गाजर, नींबू आप इस तरह से सुखाएं कि ज्यादा न सुखाएं, थोड़ा सा सुखाएं, नहीं तो ये बहुत टाइट हो जाता है सर। हमने ये मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें और नमक इसमें ज्यादा ही डालें अचार में, ये अचार चटपटे ही अच्छे लगते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें हमने खड़ा सरसों लिया है पीला, इसको भी हम डालेंगे। ये कलौंजी और ये थोड़ी सी हींग। और ये गन्ने का सिरका। ये हमने सौंफ, काली मिर्च और जीरा का दरदरा पाउडर पीसा था, वो डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से अचार बनाएंगी, सालों साल चलते हैं। हमने इसमें सारी सामान मिक्स कर दी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा अचार बनकर तैयार हो गया है। और इसको आप 2-3 दिन धूप में रख दें, ये बहुत जल्दी खाने वाला हो जाता है। इसे हम एक एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे। ये मिक्स अचार बनकर तैयार हो गया है। आपको यदि हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी हमने अपने चैनल में ये अचार की रेसिपी डाल रखी है, उनको आप जरूर देखें। और ये बहुत अच्छा अचार है, बहुत चटपटा बनता है। आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।